दोस्तों आज तक शायद ही किसी मच्छर ने कोई केस सॉल्व किया हो, लेकिन साउथ ईस्टर्न चाइना के फुजियान प्रोविंस के अंदर दो मच्छरों ने एक केस सॉल्व करवा डाला। दरअसल वहां पर एक चोरी हुई थी किसी के घर में, जहां पर चोर बालकनी के रास्ते उस घर में घुसा और उस घर में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उसने सारी रात उस घर में बिताई, जहां पर नूडल्स भी बनाए अपने लिए, सोया भी और इसी के साथ साथ एग भी बॉयल करके खाए उसने। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में जैसे ही दिन होने लगा तो वो चोरी करके निकल गया था उस जगह से। लेकिन वहां पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने पाया कि वैसे तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, दो मरे हुए मच्छरों की डेड बॉडी वहां पर मिली थी, क्योंकि उस चोर ने रात को दो मर्डर किए थे जो उन दो मच्छरों के ही थे। अब उन मच्छरों से लिया गया ब्लड जो कि उस चोर का था, उस चोर को इन मच्छरों ने काटा था और उसका ब्लड भी सक किया था, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर डीएनए में ये पाया गया कि ये ब्लड किसी हिस्ट्री शीटर का ही था, मतलब जो पहले भी वहां पर चोरी कर रहा था, जिसका नाम चाई था, और उसको इन्हीं मच्छरों की वजह से पकड़ लिया गया। और अब ये चोर सोच रहा होगा क्यों मैंने उन मच्छरों को मारा, और मच्छर कह रहे होंगे और मार ले हमको। और इसी के साथ साथ अगर मच्छरों की बात की जा रही है तो भैया यूएस के रिसर्चर्स ने मच्छरों का ब्रेन तक हैक कर डाला है और उसको रिमोटली कंट्रोल भी कर पा रहे हैं, वो भी सिर्फ एक सेकंड के अंदर। यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी नैनो टेक्नोलॉजी की और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और इन दोनों का ही मिक्सचर मिला के इन्होंने मोआना बनाया है, मतलब कि मैग्नेटिक ऑप्टिकल अकोस्टिक न्यूरल एक्सेस। ये एक स्पेशल आयोन चैनल क्रिएट करते हैं जिससे कि ये मक्खी के न्यूरल सेल के अंदर काफी हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिससे कि उसके विंग्स को ये किसी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, पूरे मच्छर को नहीं, सिर्फ विंग्स पे ही कंट्रोल पा रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि नेटफ्लिक्स का इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो रखा है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हाथ पांव मार रहा है। उसने 2022 के पहले क्वार्टर के अंदर ही 2 लाख सब्सक्राइबर खोए हैं, जो कि पेड सब्सक्राइबर थे, ऐसे नहीं कि फ्री में देख रहे थे, जिसकी वजह से अब इन्होंने क्या किया है कि 5 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर 22 अगस्त से अब जो पासवर्ड शेयरिंग की स्कीम चलती थी, मतलब कि पासवर्ड शेयर करते रहते थे लोग एक दूसरे को, उसको रोकने के लिए अब ये किया है कि जो भी बंदा पासवर्ड शेयर करेगा उस दूसरे बंदे को लेने के लिए उनको पैसा पे करना पड़ेगा, ऐसे फ्री में नहीं पासवर्ड शेयरिंग की जा सकती। तो अब नेटफ्लिक्स उतना ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जैसे इंडिया हो गई, इस कंट्रीज़ के लिए इनके पास में अलग प्लान होगा कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखा के भी काम चला लिया जाए और चीपर प्लान लेके आने चाहिए एड्स के साथ में, तो शायद हमारा काम बन जाए, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि एड्स से ये काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो सो इंडिया के गौतम अडानी अब दुनिया के 4th सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि बिल गेट्स ने अपनी पोजीशन लूज कर दी है 20 बिलियन डोनेट करके खुद ही की चैरिटी को, तो उनकी नेटवर्थ अब 102 बिलियन यूएस डॉलर पे आ चुकी है, और गौतम अडानी की 114 बिलियन यूएस डॉलर थी, जिसकी वजह से वो 4th पे आ चुके हैं। अगर पूरी रैंकिंग देखी जाए तो नंबर 1 पे हैं प्ले बॉय एलन मस्क 230 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ से, और इसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो कि 148 बिलियन यूएस डॉलर के नेटवर्थ के साथ में बैठे हुए हैं। इसके बाद में आते हैं जेफ बेजोस 139 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ पे। दोस्तों जिन लोगों के पास में गड्डियां भर के पैसा जमा हो रखा होता है वो लेटेस्ट आईफोन लेना प्रेफर ही करते हैं, मतलब लेटेस्ट आईफोन आया तो बस वही उनके हाथ में होना चाहिए, लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता। जिसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका क्रिस ईवांस, जो अब तक आईफोन 6s ही चला रहे थे और 7 साल बाद अब जाके उन्होंने आईफोन 12 प्रो पे स्विच किया है। ये भी नहीं कि आईफोन 13 प्रो पे स्विच किया हो, नहीं, इनको लगा कि प्राइस सही मिल रहा है, इस वक्त में डिस्काउंट चल रहा है, तो आईफोन 12 प्रो को लिया जाना चाहिए। और इनसे पूछा भी गया था कि आपने इतने टाइम बाद क्यों अपना ये आईफोन अपग्रेड किया। एक तो इन्होंने कहा कि देखो ये मुझे पसंद था और इसके अंदर होम बटन भी था, जिसकी वजह से मैं इसी को यूज़ किए जा रहा था, और एक बार जो चीज़ हाथ में बैठ जाती है तो इतनी आसानी से किसी के छोड़ने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से इन्होंने चाहा नहीं कि कुछ नया किया जाए, तो इन्होंने कोई नया आईफोन लिया ही नहीं। और अब जाके लेने के बाद में इनको थोड़ा सा लग रहा है कि वो पहले वाले से हैवी है और होम बटन भी मिस कर रहे हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 के एरा के अंदर 1915 और 1919 के बीच में एक सी फोर्ट बनाया गया था इंग्लैंड के कोस्ट पे,
जो कि 5 किलोमीटर दूर है मेन लैंड से, जो कि अब बिकने वाला है। इसका नाम है बुल सैंड फोर्ट, ये समुद्री किला भी कहा जा सकता है। ये $60,000 के अंदर 19 जुलाई को ऑक्शन में जाएगा, यानी कि 47 लाख रुपए इसकी शुरुआती कीमत होगी, जिसके ऊपर बोली लगेगी और बोली कहीं तक भी जा सकती है क्योंकि अपने आप में ही यूनिक है, World War I के एरा का है और सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी है समुद्र से, और जिसको भी मतलब शांति पसंद होगी वो शायद इसको खरीद के वहाँ पर बस सकता है। बसने के लिए तो खैर नहीं है, जो भी इतना ज़्यादा पैसा खर्च करेगा वो तो सिर्फ शौक के लिए ही खरीदेगा इसे।